शलोम शलोम प्रभु यीशु नासरी के नाम में लगातार हम पवित्र आत्मा के द्वारा जान रहे हैं हमेशा का जीवन पूरा पूरा उद्धार पाना और उद्धार ही तो मुख्य है जिसके लिए परमेश्वर को मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आना पड़ा यह इन सच्चाइयों से हम अवगत हैं पवित्र शास्त्र इस तरह की अनेकों अनेक सच्चाइयाँ जो हम संदेह ना करें उसको प्रकट करती हैं कि विश्वास में मजबूत हों और हर वो कार्य जो मनुष्य के लिए अर्थात समानता और स्वरूप में जो रखे गए थे हम उस स्तर तक ईश्वर के नाम में पहुँचें उसकी मदद से पहुँचें पवित्र आत्मा की मदद से पहुँचें और इन तमाम शंका संदेह का निवारण हमारे पवित्र शास्त्र में है हाँ उनको आज के समय में बहुत जरूरी है जान लेना जैसे दर्शन को जानना बहुत जरूरी है ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ इन समयों में कि आप तैयार हों और वो समुद्र में जो छुपी हुई चट्टाने हैं यहूदा में आप पढ़ेंगे वो पूरा पढ़िए एक अध्याय और उस परिश्रम को पहचानिए जो यहूदा ने इन अंतिम समय के लिए हाँ हम दर्शन क्या होते हैं और उसकी पहचान और उसका प्रमाणित होना कि आप अच्छे से उन भुलाने वाले बहकाने वाले भरमाने वाले जो निकल आए हैं यीशु के नाम में जो पेट भर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तो बेरोजगारी है और ये वो लोग हैं जो इकट्ठा किए जा रहे हैं ये मसीह विरोधी जो गैंग या गिरोह काम कर रहे हैं मैं सेवक नहीं बोलूँगा इस तरह के जो गिरोह काम कर रहे हैं इंडिया में और प्रलोभन और लालच पता नहीं क्या क्या और कैसे कैसे व्यापारिक कमिटमेंट जो जो ये नेटवर्क वाले वो होते हैं ना व्यापार कि अगर इतने लोग लाओगे तो ये फ्री ये सुविधा फलाना फलाना हाँ ये आप अच्छे से समझ गए इन बातों को तो ऐसे जिन्हें मैं वैश्य कहा और इसके लिए देखना आप कि ये जो घर घर घूम रही हैं वैश्य जो परमेश्वर के वचन को न जानती न पहचानती और घर बिगाड़ने के लिए बड़े बड़े प्रलोभन दे के आती हैं प्रार्थना का एक बड़ा अच्छा बैनर लेके आती हैं ये हो रहा है और ऐसे लोग पहुंच रहे होंगे क्योंकि सुविधाएं और पता नहीं ये जो चल रहा है इसको जो किया जा रहा है निश्चित ये नाश होना है ये पूरी तरह से नेस्त नाबूत हो जाएंगे अभी मैं वो वचन पढ़ रहा हूँ और धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो यन्ना बपतिस्मा देने वाला जो जिसकी एलिया की आत्मा थी जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था और साफ साफ सुना था प्रभु ईशु के बारे में वो सब हमने पिछले समय में जाना है देखा है समझा है वो सच्चाई के बावजूद भी वो अपने चेलों को भेजता है जाके पूछो उससे क्यों क्या वो नहीं जानता था बिल्कुल जानता था ये पद इसलिए रखे गए हैं कि हम पहचाने यहाँ प्रभु ईशु क्या कहते हैं जो बहुत मुख्य है जो प्रश्न किया गया यहाँ पर कि तू वही है या हम किसी और की राह देखें या बाढ़ जो हैं तो प्रभु यीशु का जवाब क्या है वो मैं पढ़ देता बीस से पढ़ देता बल्कि लू का सात बीस उन्होंने उसके पास आकर कहा बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास या पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाढ़ देखें? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुटका छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी और उसने उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर योना से कह दो कि अंधे देखते हैं लंगड़े चलते फिरते हैं कोड़ी शुद्ध किए जाते हैं बहरे सुनते हैं मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए प्रभु ईश्व के विषय में ठोकर खिलाने वाले इस तरह की जो छिपी हुई है, वो हैं जो घरों को बिगाड़ रही पवित्र शास्त्र में बहुत साफ इन बार है अंतिम समय में झूठे भविष्य वक्ता उपदेशक ये सब का है और मनुष्य लालच में लोभ में उनके बहकावे में कि अगर कोई चीज दुगनी होती या दसगुनी होती तो कैसे लालच में फंसता है बस इसी तरह से फंसाने के लिए ये वैश्याए जिन्हें कुट्टन कहा जाता है छोड़ी गई हैं उन गिरोहों के द्वारा जिनके अगवे लोभी लालची सुअर बोल सकते हैं कुत्ते बोल सकते हैं वो हैं और ये काम बड़े धलड़ल से करते हैं क्योंकि इस तरह से ये भेड़ों का मांस खाते हैं अलग अलग तरीके से पर हाँ ये तमाम मटियामेट होना ये समय भी आ रहा है कि जो घुन और गेहूँ अलग होंगे तो ये जो शैतान के साथी हैं मसीह विरोधी हैं उनके क्या परिणाम होंगे मैं नहीं जानता या अंतिम समय में अपने गुनाहों को मान के क्या करेंगे पर आज तो सैतान के हाथ की कठपुतली बनकर मसीही जगत में जो विष डाला जा रहा है इन्हीं के लिए डाला जा रहा है तो इसे आप पहचानिए और खुलेआम देखिए कि जो आपके पास एक बाइबल लेके आ रहा है वो वाकई में क्या है वो सचमुच में क्या है कुछ चीज़ों को खुलने में समय लगता है पर यहाँ जो मुख्य बात प्रभु यीशु ने कही कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है कंगालों के लिए उनके लिए सुसमाचार वो सामर्थ्य है कि अगर एक प्रभु का जन का कदम उस घर पे पड़ेगा तो निश्चित उस घर में कल्याण कल्याण आएगा ये पहली निशानी ये साफ साफ निशानी और ठोकर खाने की संभावना ही नहीं हो कुछ बोलना ही नहीं होगा और वो बहुत सारी परिस्थितियां बदलती हुई आप देखेंगे अपने परिवार घर में जितनी भी अड़चने बाद बिल्कुल सब क्या है यहाँ पहचान के लिए मैं ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए दर्शन का भी मैं बता दू ये चीज की ठोकर ना खाए प्रभु यीशु ने कहा है कि कोई मेरे कारण ठोकर ना खाए तो ठोकर खिलाने वाले मैंने बता दिया इस तरह के गिरोह ये आतंकवाद से भी भयानक गिरोह पनप गए हैं कुकुर मुत्ते की तरह ये सारी पृथ्वी पे फैल गए हैं और बेशर्मी की बे इंतहा कर रहे हैं और सौदे करते हैं ये कि इनके जो रुके हुए काम उसके लिए ये कुछ भी कर सकते फॉरेन करेंसी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं ये वैश्याए हैं वो वैश्याए जो घर के घरों को बिगाड़ रही हैं नाश करने वाले ऐसे तत्व दर्शन की बात को जान लीजिए क्योंकि अब जिन बातों का समय आ गया है कि आप इनको पहचान सकें तो मैं प्रेरितों के काम दस में चलते हैं हम और इसमें आपने हजारों बार सुन चुका है दस का और पतरस का वो विवरण कि छत पर पतरस घूम रहा है और बेसुध होकर वो वहां पर गिरा पड़ा है और उस समय वो दर्शन देख रहा है वो भूख के कारण नहीं है बेसुध होना मतलब उस अवस्था में देख रहा है अब कोई भूखा रह के उपास करके बेहोश हो रहा है वो एक अलग बात और उस समय तो वो सब भावनाओं की बातें हैं यहाँ पर बेसुध हो जाना मतलब सलेन हो जाना सचमुच में और वो उसके सामर्थ्य के द्वारा आत्मा के द्वारा उस स्थिति में उसको लाया गया है कि हम सीखें बेसुध होना क्या है कि उसे अपना कुछ शुद्ध ना रहे ये शब्द भी पूरा अप्रोप्रिएट नहीं है पर वो अवस्था जो आत्मा से आत्मा के दर्शन या बातचीत को प्रकट करे वो अवस्था उसमें वो गिरा पड़ा है और चादर आई इस तरह तीन बार आई और उसी समय उसकी आत्मा की सच्चाई से वो जवाब दे रहा है मैंने अब कभी अशुद्ध नहीं खाया और वो एक पहला सबक मिला कि परमेश्वर ने जिसे शुद्ध ठहराया है तू उसे गलत मत कह अशुद्ध मत कह तो ये पहला पॉइंट ये हो गया कि मनुष्य को जो अपने खान पान के जीवन में या कार्यों के जीवन में कौन सी चीज़ें क्या हैं उनका विवेक अगर यीशु के लहू में सचमुच में यीशु के साथ है तो वो विवेक का की पहचान यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं कि शुद्धता अशुद्धता के बारे में आपका विचार क्या है ठीक है वो तीन बार आई और फिर वो चादर चले गई जिसमें सब चीजें रखी गई थीं और उसे पसंद नहीं आई और वो परेशान हो गया पत्रस परेशान हो रहा है कि ये दर्शन क्या है जैसे सामान्य अवस्था में कई बार ऐसे जो प्रभु से बहुत प्रेम रखते हैं वो दर्शन देखते हैं पर अर्थ नहीं समझ में आ रहा होता स्वप्न नहीं समझ में आ रहा होता या तो बहुत विचारों के कारण स्वप्न देख रहे होते हैं अपनी इच्छाओं के कारण पर जो प्रभु की ओर से इस तरह के दर्शन ठहराए जाते हैं जो उसने निश्चित किया तो कुरनेलियस देख रहा है एक स्वर्गदूत जो उसने आकर बताया मतलब कुरनेलियस ने जिन लोगों को भेजा वो बता रहे हैं और पतरस के पास वो लोग पहुंचे, वहाँ पर प्रभु ईश्वर से कहते हैं कि तू इनके साथ चले जा जो तीन लोग आए हैं और वहाँ पर जहाँ उसे पहुँचना है वहाँ स्वर्गदूत पहुँच कर ये देता है कि जहाँ वो वहाँ पर पतरस रुका हुआ है उसको बुलवा ले वो तुझे वचन सुनाएगा यह हुई वो बात जो फुलफिलमेंट पूरा एक चक्र पूरा कि जो दर्शन है जिसलिए रखा गया है उसका औचित्य क्या है और वो प्रमाणित होता है उन तमाम कार्यों के इस दौरान जो हुए जो कुरनेलियस ने अपने लोग भेजे उसके पास बुलाने के लिए और पत्रस को क्लियर किया गया जो वो नहीं जानता था कि इस दर्शन का मतलब क्या है और उसके बाद जो द्वार खुला वहां से खुला है ये सबसे बड़ी बात हुई कि एक द्वार खुलता है एक विशेष कार्य परमेश्वर के राज्य के लिए वहां से शुरू होता है और ये पहला वो कार्य था जहां पर पवित्र आत्मा कुर्लिलियस और उसके परिवार ने पवित्र आत्मा पाया था वचन सुना गया था पर परमेश्वर ने जो तैयार की थी वो योजना जो आज के लिए है अगर उस दर्शन में है ये दर्शन की समझ है तो निश्चित वो दर्शन जो आपके सामने प्रकट किए जाएंगे गवाही होगी जहाँ के लिए दर्शन प्रकट किया गया है जैसे कुरनेलियस वहाँ पर भी पवित्र आत्मा का काम होगा और आपके साथ भी तो इतने में आप समझ गए होंगे अच्छी तरह कि दर्शन वाकई में क्या प्रकट करते हैं बताए जाते हैं विचारों और अंदाजों में ये नहीं है और एक द्वार आपके लिए जो खोला जा रहा है कि वहां पर कार्य करेंगे छुटकारे का और मुझे हमेशा अच्छा लगता है छुटकारे के लिए वो अनुग्रह की खिड़की पूर्वी खिड़की पूर्वी द्वार यहाँ से तीर चले और दुष्ट इस ये तीर है आ, जो उसकी योजनाओं को ख़त्म करने के लिए यीशु के नाम में चल रहे हैं आपके हृदय में आमीन आना चाहिए कि हम सब जो एग्री हैं इस बात से कि उनके झांसे में उनके जालों में नहीं फंसेंगे जो आसपास घूम रहे हैं बाइबिल दिखाते हैं मैंने एक बार बताया कि ये सूअर और ऊंट का आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो ये वो हैं जो जिनके चाल चलन और ये जुगाली नहीं करते शुद्ध शुद्धता का पहचान वहाँ पर है तो ये अशुद्ध वैस्याएँ जो हैं जो सूवर भी हो सकती हैं ऊंट भी हो सकती हैं इनकी पूँछ में एक दूसरे की पूछ ये लोमड़ी की पूछ में पूछ को बांधो और आग लगाओ जो समसौन ने किया था इनको अपने द्वार पर मत आने दो ये वो द्वार है यहाँ आपको जरूरत नहीं है सच्चाई को जैसे बाइबल में कहा गया है कि आत्मा को परखो और आत्मा को परखना वचन के द्वारा जिसका उदाहरण आपने इसमें समझा और जब प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मेरे कारण ठोकर ना खा अभी जी एम हम देख रहे हैं ना युद्ध की वर्ल्ड वार थ्री की अवस्था पे पहुंचते हुए इसराइल और ईरान को देख रहे हैं है ना पे आक्रमण किया है ना ईरान ने बड़ी बड़ी बात करने वाले सौ ड्रोन छोड़े गए सौ ड्रोन वही के वही नाश हो गया एक ड्रेन से उनका एक मुस्लिम बच्चा जो दस साल का था वो मर गया मतलब एक भी वहां इसराइल में नहीं पहुंचा इनने जो भे... कितने महामूर्ख गवार सैतान के हाथ के ये लोग जिनसे कुछ भी नहीं बनता बड़ी बड़ी बातें सिर्फ इनके ये आक्टोपस हैं इनके जो आतंकवादी संगठनों का कितना घिनौना व्यापार चारों तरफ से वो आपने सुना होगा जी मेरा विषय नहीं है वह हिजबुल्लाह हमास और पता नहीं कौन कौन से बोको हराम इनको चारों तरफ से इकट्ठा करके आक्रमण कराना ये कितना बुजदिल ईरान है कितना मतलब एक कुछ भी नहीं है और खुशियाँ मना रहे हैं कि वो एक मैं दिखाऊंगा वो रॉकेट में बैठ के वो दाढ़ी वाले कैसे इसमें अटैच करूंगा मैं इस जगह पर वो लगा दूंगा कहीं कि देखकर हंसी आती है और ये पूरे नाश की स्थिति में है निश्चित इनका नाश होना है सोचो ना कुछ भी अविष्कार नहीं करे वो परमाणु बम की धमकी और दुनिया भर का और सब निपटते जा रहे हैं इसराइल इनको हाँ ये मिलके कुछ करेंगे ये राजनैतिक वो हैं वो चल रहे हैं पर समाप्ति के स्तर पर तो ये पहुँच चुके हैं और इनको अब अपनी पहचान हो गई कि नहीं हमारे कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ की रक्षा इज़राइल की रक्षा इज़राइल का यहोवा आग बनकर कर रहा है आप उसका देखें ना जितने जो वो जितने रॉकेट या मिसाइल्स छोड़ते हैं तो उनका जो आयरन डोम कहते हैं जिसको वो सब नाश करता है तो ये समझ किसने दी है दूसरे के पास क्यों नहीं है ये टेक्निक एक छोटा हिस्सा बताया जिसका बहुत भयानक और इससे साबित होता है वो कितने जलील लोग हैं ये ईरानियन और कितनी गंदी शिक्षा है कि वहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ हाँ हमने खाली पीली जैसे लोग अपने त्यौहार में रॉकेट छोड़ते हैं ना अपने घरों से लाइक like दैट कैसा सैतान का कैसा ये बेशर्मी का आप सोचिए कि वाकई में जोकर लोग कुछ भी नहीं इनमें जबरदस्ती का चिल्लाना चीखना अपने ही एक मुस्लिम बच्चे को मार लिए अपनी ही चीज़ों से सौ के सौ ड्रोन ख़त्म नहीं बड़े स्पेशल ड्रोन बने ईरान के सौ के सौ निपटा दिए कोई भी वहाँ पर और अब इसराइल क्या करेगा वो इसराइल जाने वो उस पर अटैक करे या क्या करे पर एक पहचान तो हो गई इनको पर इनके जो दूसरे काम हैं इधर उधर से जैसे हमास वमास को इन लोगों ने आसपास से लगा रखा है यानी क्या बोलेंगे ये कोई तरीका है और पूरा संसार इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता यूएन हो या कोई हो कि ये आतंकवादी संगठनों को प्रोत्साहित कर रहा है और इसके नेतृत्व में में हो रहा है तो इसको कंडेम नहीं करते लोग ये पूरे साथी है यूएन जो बारा तारेल ये है ये साथी हैं इनके इनको कोई मतलब नहीं है अब ईरान वहाँ से अटैक करेगा और वहाँ पर मरेंगे बच्चे तो हाय हाय करने लगेंगे विक्टम बन जाएंगे पर ये नहीं देख रहे कि उन आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाए जो मसीह विरोधी हैं ये यहूदी विरोधी हैं ये जे सैतान को मानने वाले ये सैतान के पंथ के हैं इनके काम दिखते हैं कोई भी ऐसी कौम है जो ऐसा जश्न मनाती कितने निकृष्ट किस्म के घिनौने सपोले या सांप हैं ये इनकी विचारधारा कितनी घिनौनी है और इसका पक्ष लेता है संसार कैसे ले लेता है उस बात पर अटैक क्यों नहीं करता इस बात से समझिए आप कि ये सब शैतान के हाथ में कितनी बुरी तरह से हैं और हम इस कठिन समय में हैं निश्चित हमारा उद्धार होना है ये नाश होने हैं ये बिल्कुल है पर ये कहीं से भी किसी लायक नहीं है ये समझिए किसी भी तरह से यहाँ साबित होती है कि वो सांप का जो फन कुचला है अपने पैरों से यीशु ने उसके अतिरिक्त कोई उद्धार करता नहीं इनके सारी चीज़ें ये इनके साफ साफ हो रही है एक बार तो आक्रमण करा इसराइल पे पहली बार उसमें भी एक भी सब खुश वो बोलते हैं तीन सौ मिसाइलें फेंकी वहां पर और अभी एक ही बार करेगा इसराइल तो वो जो कुत्ते का बच्चा होता है ना छोटा वाला कितना चीखता चराता है काई काई काँग करता है वो करेंगे अभी ये उनके लिए भी सबक नहीं सब खड़े हो गए बड़ा भारी काम कर रहा है तीर मारा है <laughs> कैसे और उसमें खुश हो रहे <laughs> महामूर्ख क्या बोलोगे आप इनको और मीडिया में देखो ईरान और ये मेरा समय ज़बरदस्ती इसमें ख़राब हो गया पर इसकी पहचान करें आप है ना कि ये तो होना है बाइबल में लिखा है युद्ध और युद्ध की चर्चा सुनोगे ये पर ये कुछ नहीं है ये हवाएं चौबीस में जो लिखा है ये चटक चुटक चलता रहेगा उसके बस का नहीं है कुछ ये हमेशा के नपुस्क लोग रहे हैं बुजदिल लोग जिनको बोलते हैं और नाश के लिए ये तैयार किए गए हैं ये पूरी कौम नाश के लिए तैयार की गई है शैतान के द्वारा ये गिरोह ये भी गिरोह है जिससे सारा विश्व त्रस्त है पर आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे लोग आएंगे दर्शनों को आप पहचानिए धीरे धीरे हम इन चीजों को और भी अच्छे से जैसे जैसे होगा कि इनको पहचान लें दर्शनों को जैसे पहचान सकते हैं हम इन हम वचन के द्वारा पहचान पवित्र आत्मा निश्चित मदद करेंगे प्रभु यीशु ने इन बात को उनकी कितनी अगर इस लाइन को अंडरलाइन कर लें आप धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए प्रभु यीशु कह रहे हैं ये कितना बड़ा वादा है कि मसीह के पास आने को हर कोई तैयार है बेचैन है इस सच्चाई का सच्चाई के लिए कि उनने सच्चाई जान ली है ठीक है सामाजिक बंधन है बहुत सारे बंधन है पारिवारिक बंधन है पर सच अंदर कचोट रहा है और वो आना चाहते हैं प्रभु यीशु के पास पर ये बीच के जो ठोकर खिलाने वाले आ गए हैं जो नाश करने के लिए बीच में रख दिया गया है एक ऐसा चरित्र जो लोभ लालच चालाकी मक्कारी से भरा हुआ नम्र और दीनता को प्रकट करने वाला प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि इस तरह के पाखंडी गिरोह से निकले हुए जो आ गए बहुत जल्दी इनका पर्दाफाश होना है ये भी देख लीजिए कुछ बातें मुझे बताई गई हैं इसलिए मैं ये कह रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं कि एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है और ये गैर नहीं करेंगे जो होगा जिस मसीहत को बदनाम करने के लिए ऐसे गिरोह हैं ऐसे क्रिश्चियंस के द्वारा आएगा और निश्चित इस बात के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि ये बहुत भोले भाले चालाक बनकर वो समुद्र में छिपी हुई चट्टान जो काय का फेस लज्जा का फेस अपनाती है आप उसको जरूर पढ़ना इतने घिनौने हैं ये जो प्रभु यीशु को कहना पड़ा धन्य है वह जो मेरे नाम से ठोकर ना खाए बच जाए तो ये बीज के उन तमाम चीजों को खाड़ फेंकना बुराई की जड़ को इनको छाँट के इनको आपके हवाले कर देना अपनी प्रार्थनाओं में और ये उद्धार के लिए सबसे मुख्य है कि हम सब उद्धार पाए हुओं का कर्तव्य बनता है अपनी प्रार्थनाओं में आपके जो दुख हैं ये हैं सब निकल जाएंगे पर ये प्रेरित कि परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे हाथ छूछे न रहें इन बातों को जानिए इन बातों को आगे तक बढ़ाइए कि इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है ये प्रभु यीशु ने उस समय कह दिए जब प्रमाणित कर रहे हैं कि वो मैं ही हूँ उद्धार करता और हम सब ने जो स्वीकार किया है और भविष्य में करेंगे इस सच्चाई के कारण वो आपके चरित्र और आचरण के कारण करेंगे उनको भूल जाओ जो इस तरह के आए हैं पर अपने परिवार में जो मसीही परिवार कहलाते हो उनको भूल जाओ जो शिक्षा दे रहे हैं ऐसे ऐसे जो बाइबिल ले फिर रहे हैं जो मजदूर भी नहीं हैं वो नौकर हैं जो ऐसे कुत्ते जो टुकड़ों पे पल रहे हैं ईशु के नाम में पेट भरने वाले इनके लिए बंद कर दो हर दरवाजा इनके लिए कोई भी कुछ भी इनसे मतलब मत रखो इन व्यभिचारियों से इनको पहचान लो कि ये क्या बन क्या है नहीं हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं बस इतना ये शब्द सुनेंगे बस बाइबिल के बारे में क्या जानते हैं कोई प्रश्न कर लेना बिल्कुल करना हर एक को अधिकार है कि कोई प्रश्न पैदा हो रहा है तो बिल्कुल करें सबसे करें जो भी बता रहा है उससे प्रश्न करें आपके अंदर रहना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य के लिए मैं ये बात जानूं और सैतान के वो तमाम अंधकार की चीजें भी मेरे सामने प्रकट हों दर्शन का एक खूबसूरत हिस्सा जो रखा हुआ इस तरह से बाइबल में सब कुछ रखा गया है कि आप सब कुछ वचन के द्वारा वचन किसी से पूछने की जाने की जरूरत नहीं है वचन पढ़िए ईश्व के नाम में मांगिए पवित्र आत्मा की मदद इन अंतिम समयों में सचमुच में अगर आप उससे प्रेम के लिए ईमानदार और सच चाहे कितने भी दुख में पड़े हो अभी आपने एक मेरी छोटी सी टेस्ट मनी वाला सुना होगा अभी दर्शनों के बारे में जानना ना जो घटित होगा और बिल्कुल साफ साफ जो पहले सेप्टेम्बर से बोल दिया गया वो वचन के कारण था उस पर बोल रहा है संसार तो लुभाने वाली बातों में मत आना बिल्कुल बचना परमेश्वर की ओर से देखना उसकी ओर देखना बिकना मत ये बहुत भयानक जो कहा गया है ये चतुर सांप है नांग है वो जो निकलना चाहते हैं आपके परिवार को आपके घर को तो ऐसा कोई भी आता है तो उसकी पूरा बायोडेटा जानिए कि क्या है वो क्या पढ़ा लिखा है क्या करता है पहले क्या करता था कब से कर रहा है पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए उसको लाखों फैल गए हैं अपने इंडिया में इस तरह पता चला है कि पाँच पाँच दस हजार में ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे घूम के किसी कंपनी के लिए करते हैं ना कि तीन सदस्य बनाओ तो ये होगा बिल्कुल उसी पैटर्न पर यह काम चल रहा है और बहुत जल्दी इससे संबंधित जो प्रूफ देने वाले लोग हैं मुझसे बताया गया है कि इलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें वो लोग मीडिया के सामने और सारे लोगों के सामने रखेंगे हमारा काम है जब हम जान गए हैं इस बात को कि इस तरह से गतिविधियाँ हो रही हैं तो हमें प्रार्थनाओं में इन बातों में अपने भाई बहनों को बचाने के लिए सुरक्षित रखने के लिए कि वो समझ मिले और लोभ लालच के दायरे में ना फंसे यहाँ है वहाँ है यीशु ने कहा कहेंगे लोग तुम नहीं निकल जाना अपनी किसी भी छोटी छोटी सी बीमारी के लिए किसी के जाल में मत फंस जाना पता नहीं कितनी भयानक चट्टान है जो छिपी हुई हैं हम नहीं जानते परमेश्वर ज़्यादा भला जानता है पर पवित्र आत्मा आप सबको इनसे बचाएगा और दृष्टि कराएगा यही आशा विश्वास भरोसा रखना चाहिए कि इनको हम पहचान लें इनको चिन्हित कर लें और जो हमारे जीवन के लिए पूरा उद्धार रखा है वो बिल्कुल निश्चित होना है मैं झूठा आश्वासन की बात नहीं करता उसके लिए आप तैयारी करिए उसकी पूरी एक्सरसाइज आपकी आत्मा की होना चाहिए कि खुद लगे जैसे शरीर को बहुत अच्छा फुर्तीला रखना चाहते हैं तो वचन का वो तेल अभिषेक का और हर जगह मदद है कि कहीं पर किसी तरह से कोई भी दुष्टता की घिनौनी युक्ति हम पर सफल नहीं हो सकती ये सब जगह लिखा हुआ है बाइबल में कोई भी चीज़ कोई भी हथियार हमारे लिए यशया में कितना साफ साफ इन चीज़ों को देखिए कि बना हो हमारे कामयाब नहीं होगा और मुझे मालूम है कि नहीं होगा मेरे जितने बस का है और जो चीज़ें हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसको बढ़ाना आपका काम है परमेश्वर के राज के लिए इसको ये बीजों को जितना बढ़ाएंगे आप निश्चित आपको उनके फल मिलेंगे परमेश्वर जानता है हम कोई व्यापारी लोग नहीं हम वो नहीं हैं जिसमें हम इस बात पर निर्भर करते हों कि हम YouTube से कमाएं ये ये वाला काम नहीं है जो हमको ये संसाधन मिले हैं उसका भरपूर उपयोग दुष्टता की हर घिनौनी चीज़ को ख़त्म करने के लिए है और अपने लोगों के लिए जो उद्धार हमारा मुख्य है मसीह का पहला और पहला हिस्सा सॉलवेशन है उद्धार है पूरा पूरा उद्धार है आत्मा का है ये कहीं नहीं है और इसीलिए तो उसके चरणों में है और वाकई में जितने मसीह विरोधी हैं उनसे फर्क पहचाने जाने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रभु यीशु की वो आखिरी लाइन धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाएं तो समझ लीजिए कि कौन कौन ऐसे हैं दर्शनों को भी पहचानिए इस तरह हम धीरे धीरे और आगे जाएंगे कि इन चीज़ों से छुटकारा पाएं दैनिक जीवन में और अपने और अपने आसपास वालों का सचमुच में ध्यान रखें ख्याल रखें एक दूसरे के लिए नम्र और दीन हो कड़वाहट की सब जड़ों को यीशु के नाम में अपने जीवन से उखाड़ फेंकें और घोषणा करें कि वो आग की झील में चले जाएं, जिसने मुझे सत्यनाश के गड्ढे से निकाला है उस दलदल से निकाला है चट्टान पर खड़ा किया है और आपके सामने मेरे पैरों को मजबूत किया कि सच्चाई से उसका आचरण उसके चालचलन के अनुसार इन सच्चाइयों को आप तक पहुँचने में जो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं हर बात साफ साफ स्पष्ट आपके लोगों के लिए बहुत आनंद और खुशी के लिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बात मेरे जीवन और मेरे ओंठों से जो शब्द निकले आपको आत्मविभोर करें आपकी आत्मा के लिए सामर्थ्य का काम हो जहाँ पर कमियाँ हैं वो दूर होने का कारण हो ये अभिषेक मैं प्रत्येक के लिए चाहता हूँ उस प्रभु से प्रेम करने वाले उद्धार पाए हुए उन तमाम लोगों से और उनसे भी जो आने वाले हैं वो तमाम जंजीरों के नाश की मैं कामना करता हूँ जो दुष्ट के चारों ओर है जो पहुँचने देने से रोक रही है ये द्वार खुल चुका है मैंने द्वार के बारे में बोला है 5784 के बारे में और ये भी कि ये देखिए सब प्रकाश में आते जा रहा है जो घटनाक्रम हो रही है जो आज तक क्रिश्चियन लोग जो इस बात पर ध्यान नहीं देते थे आप देखना ये पूरे यूरोपियन कंट्री अमेरिकन्स एक विशेष तरीके से जो आज तक जिस बात का ध्यान नहीं दिया गया उस पर दृष्टि कराएंगे कि सब तरह से आप उसके राज्य के लिए जो चाहता है उसकी इच्छा पूरी आप कर ये सब बदलने वाला है लोगों का हृदय खुलने वाला है ज़्यादा समय का नहीं है और इसमें बहुत से बाइबल में लिखा है ना कि एक एक आएंगे और कपड़े का बागे का छोर पकड़ेंगे और बोलेंगे तेरा परमेश्वर सच्चा है और तू हमें अपनी पनाह में ले ले दस ऐसे ऐसे आएंगे सब आएंगे और आना चाहिए बिल्कुल क्योंकि वो भी आ, आत्मा हैं और अभी तक दूर थे अब वो नज़दीक होने वाले हैं और ऐसी ही घटनाक्रम नज़दीक करेगी और ये जो ईरान एक मजाक है उसको मजाक समझिए कुछ नहीं है वो आतंकवाद वो घिनौना मसीह विरोधी पंथ एक मजाक है जो ख़त्म हो जाने वाला है बहुत जल्दी बहुत जल्दी वो नाश होने के लिए बस एक कदम है वो और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बदलने वाली हैं तो अपने आप की तैयारी करें और तैयारी के लिए बहुत सारा समय नहीं है एक छलांग की ज़रूरत होती है बस उसको पार करने के लिए वो एक क्षण में लग सकती है और ये सब जो सिखाया जा रहा है ये छलांग लगाना सिखाया जा रहा है ये साधारण शब्द नहीं है और आप पा सकते हैं यीशु के नाम में आज से अभी से इसी क्षण से वो जो उसके राज्य के लिए है जो उचित है उसकी महिमा के स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा के लिए है जो सर है तमाम चीजें जिसकी अधीनता में है आप देखेंगे साफ साफ देखेंगे बिल्कुल है क्योंकि वो है और उस बात का प्रमाण है कि हर बात वचन की सच्चाई के साथ प्रमाणित होते जा रही है हाँ देखने वाली दृष्टि यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपको प्रदान करें और इन सब बातों में हम चाहे हम कहीं कहीं के हों ना जानते हों एक दूसरे से पर हाँ इस बात में एक होकर मेरी बार बार एक इच्छा है कि हमारा जो लाइव स्ट्रीम हो आप सबके सहमति से एक साथ एक मन एक चित्त होकर कि इस तरह के जो हम किसी मनुष्य के विरोध की बात नहीं करते हम किसी से डरते भी नहीं हमको सिर्फ भय है परमेश्वर का पर इस तरह के किसी भी चीज़ों को ना बख्शें ये इनको खुला ना छोड़ें बहुत जल्दी हमारा काम है कि अगर घर में कोई कूड़ा करकट है तो उसको निकाल के फेंकें तो इस तरह से कूड़े करकट आ गए हैं वक्ती तौर पर और पहचान भी बहुत जल्दी आपको हो जानी ईशु के नाम में और फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि आत्मा की प्रेरित जो आप पर होने वाली है उसको रोके मत मुझे आप सब का इंतजार है आपकी वो सब बातें मैं जानना चाहता हूं और हम साथ होकर प्रार्थनाओं में परमेश्वर के राज के लिए अगर सचमुच कुछ कर रहे होते हैं तो सोचिए एक ही शब्द है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं